हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल ड्रिंक। मैं तीन तरह का बना के आपको दिखाऊंगी, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी। जैसे हम होटल रेस्टोरेंट में पीते हैं उसी तरह से बन के तैयार होगा, एकदम टेस्टी चटपटा। इसके लिए देखिए, मैं पल्स वाला टॉफी ली हूँ, आम फ्लेवर का है, आप और भी फ्लेवर का ले सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं छील ली हूँ, छील के अब हम इसको पाउडर इसका बना लेंगे। 10-12 टॉफी मैं ली हूँ, देखिए पाउडर बन गया। इसको आप एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं, जब आपका मन करे तब बना के पी सकते हैं इस जूस को, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा हम मसाले बनाएंगे। इसके लिए मैं 1 चम्मच काला नमक ली हूँ और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिला लेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं होगा, हल्का तीखा और नमक रहेगा इसमें, बहुत ही चटपटा बन के तैयार होगा। अब हम गिलास पर थोड़ा सा नींबू इस तरह से लगा लेंगे, लगा के फिर हम नमक और मिर्ची को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बाहर भी होटल और रेस्टोरेंट में बना के तैयार करते हैं। जब हम जूस को पियेंगे तो इसका फ्लेवर आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची हल्का। अब हम इसमें 1 चम्मच पल्स का पाउडर डाल देंगे और 2 चम्मच शुगर पाउडर। शुगर पाउडर की जगह पर आप इसमें शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। और 1 नींबू को मैं निचोड़ के इसमें डाल दी हूँ और 2 आइस क्यूब डाल देंगे। इसको अच्छे से देखिए इस तरह से मिला लेंगे, ऐसे सारा अच्छे से मिल जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से और टेस्टी बन के तैयार भी होता है, आप लोग भी ज़रूर से बनाना। अब मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ, आप सोडा के जगह पर चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हो। ठंडा पानी डालने से भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। स्प्राइट नहीं डालना, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना का पत्ता रख देंगे, इसे देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए पहला वाला जूस बन के तैयार हो गया, देखिए कितना जल्दी और झटपट बन के तैयार हुआ है, बहुत ही पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब दूसरा वाला हम बना लेंगे। इसके लिए मैं देखिए तरबूज को मोटा मोटा काट ली हूँ और 1/2 चम्मच मैं काला नमक डाली हूँ, 1/2 चम्मच सादा नमक डाल देंगे, 5-6 पुदीना का पत्ता डाल देंगे इसमें, और 1 चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ, और 1 नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे, और इसमें 2 आइस क्यूब मैं डाल रही हूँ, और 4-5 चम्मच पानी डाल के हम पीस लेंगे। आप चीनी अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो नहीं डालना, बिना चीनी के भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब हम इसको छान लेंगे, देखिए इस तरह से थोड़ा गाढ़ा है, इसमें और पानी डाल के हम छान लेंगे। ऐसे छानने से सही रहेगा, इसमें जो भी बीज वगैरह होगा तरबूज का वो निकल जाएगा। अब हम गिलास को भी उसी तरह से तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से नमक और मिर्ची लगा के। अब हम इसमें सबसे पहले बारीक कटा हुआ 1 चम्मच तरबूज डाल देंगे, और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और भी चटपटा जूस को बनाने के लिए। अब हम इसमें जूस डाल देंगे, बारीक कटा हुआ तरबूज डालने से जब हम जूस पियेंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से देखिए 1 चम्मच डाल देंगे। अब हम इसमें 2 आइस क्यूब डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस पर भी हम पुदीना के पत्ते रख देंगे, इसे देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा दूसरा वाला भी जूस बन के तैयार हो गया, एकदम सिंपल। अब हम इसी तरह से तीसरा वाला भी जूस बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैं 2 कच्चे आम को काट ली हूँ और 6-7 पुदीना का पत्ता डाल देंगे, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे, और 2 आइस क्यूब। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो इसमें और चटपटा बनाने के लिए हरा मिर्ची भी डाल सकते हो। देखिए पीस गया है, गाढ़ा है, इसमें पानी डाल के हम अच्छे से छान लेंगे। मैं थोड़ा सा मीठा वाला मैं आम ली हूँ, आप चाहे तो एकदम खट्टा भी आम लेके बना सकते हो। ये देखिए छान ली मैं, और जो ये बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम चटनी बना लेंगे। ये देखिए जूस बन के तैयार हो गया। अगर ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो आप और भी पानी इसमें मिला लेना। अब हम उसी तरह से गिलास तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से
आप लोग भी ज़रूर से बनाना एक बार मेरे तरीके से, आप लोग का कैसा बना कमेंट में ज़रूर से बताना। और दो तीन पुदीना के पत्ते को तोड़ के हम डाल देंगे, और भुना हुआ जीरा का पाउडर हम डाल देंगे एक चम्मच, और दो आइस क्यूब डाल के देखिए जूस को डाल देंगे। देखिए तीसरा वाला भी जूस बन के तैयार हो गया, एकदम सिंपल और इजी तरीके से, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कितना एकदम सिंपल तरीके से बन के तैयार हुआ है, आप लोग भी ज़रूर से बनाना। थैंक यू।